हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है हेमलता रियल ब्लॉग में। मैं आई हूँ खेत में। ये हमारे उर्द का खेत है। देखिए हमारे उर्द इतने बड़े बड़े हो गए हैं। इसी में हमने भिंडी डाल दिया है। भिंडी के पेड़ भी हैं, देखिए छोटे छोटे। ये भिंडी है और इसी में उर्द है। एक आधा मकाई के पेड़ हैं। इसमें पहले सरसों थे, बीच बीच में सरसों भी उगाया है। इनको उखाड़ना है। देखिए इतना बड़ा खेत है हमारा। घर के सामने वाला है। इसमें हमने तार बांध रखा है क्योंकि चारों तरफ खेत सब खाली हो गए हैं। जानवर बहुत आते हैं, बकरियां भी आती हैं हरा पौधा देख के। बहुत देखभाल करनी पड़ती है खेत की। चारों तरफ से हमने बांस और तार लगा के बांध रखा है। ये सरसों का पेड़ है जो हमें निकालना है खेत से बाहर। देखिए बहुत सारे इस तरह के पेड़ हैं। चले फिर सरसों के पेड़ को निकाल देते हैं, इनको हटा देते हैं। इनको उचार लेंगे नीचे से इस तरह से, सभी को धीरे धीरे करके। क्योंकि इसमें उर्द के पेड़ जो है छोटे हैं अभी, और इनको निकाल दें तो उर्द के पेड़ अच्छे से हो जाएंगे, जगह पा जाएंगे, हवा पानी पाएंगे तो अच्छे से रहेंगे। इस तरह से पूरे खेत के सरसों हम निकाल देंगे, इस तरह से उचार लेंगे देखिए, और भैंस को खाने को हो जाएंगे हरे हरे। सानी हो रही है भैंस के लिए। देखिए यह आटा लगा दिया है और अच्छे से खा रही है। यह हमारी बड़ी वाली दीदी की भैंस है जो बगल में घर है हमारे। पानी कर दिया है बच्चों ने और इसको लगा देंगे आटा तो अच्छे से खा लेगी। इसका एक बच्चा भी है, मारती नहीं है, बहुत अच्छी भैंस है। इसका एक छोटा ये बच्चा है पड़वा, देखिए आ जाओ। ये देखिए बच्चे इसी को खिलाते हैं, खेलता भी है साथ में बच्चों के। ये देखिए जो हमने हरे सरसों खेत से निकाले हैं वो दे देंगे इनको, भैंस को डाल देंगे शाम को। ये हमारे खीरे के पेड़ हैं, घर के बगल में साइड में लगे हैं नीचे की तरफ। और ये करेले के, इनमें हमने झाड़ गाड़ दिया है जिससे कि पौधा ऊपर को चढ़ जाएगा, देखिए। और इसी में छोटे छोटे ये परवल के पौधे हैं छोटे छोटे, ये अभी जड़ से उग रहे हैं, देखिए पत्ते निकले हैं। इधर भी है, ये बगल की जगह है, ये पपीता के पेड़ लगे हैं उस तरफ, ऊख है और ये प्याज लगा है। ये हमारा नींबू का पेड़ है। ये देखिए छोटा सा गुलाब खिला है, कितना प्यारा सुंदर सा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है।
हरे हरे पौधों के बीच में, बहुत सुंदर प्यारा लग रहा है। ये अनार का पौधा है, ये तुरई के जो पेड़ है इस तरफ आ रहे हैं डार। लोबिया है, ये देखिए ये ककड़ी के पेड़ है छोटे से, और ये टमाटर के लगे हैं। ये नींबू का पेड़ है, और देखिए हमारे सीताफल के पेड़ पौधे में सीताफल लगा है। देखिए इसको कद्दू भी बोलते हैं, कितना बड़ा हो गया है। पेड़ों में कद्दू लग गए हैं। इस साइड में कद्दू की डार गई है, जो इसमें भी छोटे छोटे फल लगे हैं। ये देखिए छोटी छोटी बत्तियां कटी हैं कद्दू की। ये देखिए सीताफल जो कहते हैं, ये किधर है और ये इस साइड है। हवा तेज चल रही है तो आम का पेड़ देखिए झुक गया है, एक तरफ को पूरी तरह से झुक गया है। चलिए घर को चलते हैं। मैं आ गई हूँ घर में। आज शाम के खाने में बनाएंगे भर के टमाटर। ये हमने कच्चे टमाटर अपने ही खेत से तोड़े हैं, देखिए कुछ पके हैं और कच्चे हैं, इनको आज भर के बनाएंगे। चलिए फिर इनका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये हमने मसाला निकाल दिया है, लहसुन मिर्च और ये हल्दी है जो खेतों में होती है, और ये मसाला गरम काली मिर्च, जीरा और धनिया, और ये सरसों। चलिए इनको फिर भून लेते हैं, भून के मसाला तैयार करते हैं। गैस में भून लेंगे। ये हमने कढ़ाई में डाल दिया है सरसों और धनिया, इसको अच्छे से कलहा देंगे जैसे कि ये पक जाए। टमाटर को भून के मसाला बना बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छे से पक गया है, इसको निकाल लेते हैं। अब इसी में डाल देंगे गरम मसाला, काली मिर्च और जीरा। थोड़ा ही डाला है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, इसलिए मसाला ज़्यादा नहीं डालेंगे, बच्चे भी खाएंगे इसलिए मसाला कम ही डालेंगे। अच्छे से जीरा गरम हो जाएगा तब डाल देंगे लहसुन और मिर्च। जीरा हमारा चिटकने लगा है, देखिए। अब इसमें डाल देते हैं लहसुन और मिर्च साथ में ही, ये भी गर्म हो जाएंगे। ये भी गर्म हो गया हमारा। चलिए फिर गैस बंद कर देते हैं और मसाले को निकाल लेते हैं।
हमारी लोहड़ी बहुत गर्म है इसलिए इसको चम्मच से ही निकालेंगे। सारा मसाला इसमें डाल देंगे। अब इसको सिल में पीस लेंगे। चलिए फिर सिल में पीस लेते हैं नमक डाल के। चलिए फिर मसाला पीस लेते हैं सिल में नमक डाल के। ये देखिए नमक डाल रखे हैं हमने, जैसे कि मसाला बारीक हो जाएगा, अच्छे से पिस जाएगा। ये हमारा मसाला पिस गया है, देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भुने हुए मसाले की। चलो इसको थाली में रख लेते हैं। टमाटर हम इस तरह से काट लेंगे, ये देखिए हमने काटा है। टमाटर को पीछे से साइड से चार फाके बनाएंगे इस तरह से, ऐसे करके और ऐसे करके। इसी में हम मसाला भरेंगे और इसी तरह से सभी को काट लेंगे। चलिए फिर काट लेते हैं। ये हमने टमाटर काट लिया है, सारे टमाटर हमने काट लिया है। अब इसमें भरेंगे मसाला। ये देखिए पीली वाली बरैया जो हम बोलते हैं इसको, ये कहाँ से आ गई है, ये बहुत तेज़ काटती है। चलिए इसको बाहर डाल देते हैं उठा के। ये देखिए कैसे रेंग रही है, इसको बढ़नी से पकड़ के बाहर डाल देते हैं। इसको इस तरह खाना हमारा बन गया है। टमाटर की सब्जी, रोटी हाथ से बनाई है और भरवा टमाटर है हमारे। सब्जी बनाते हुए नहीं दिखाया था क्योंकि लाइट चली गई थी, इसलिए सब्जी नहीं बना पाए। चलिए फिर खाना दे देते हैं। शाम का खाना हमारा यही है। आज का वीडियो कैसा लगा आपको दोस्तों? आज का वीडियो कैसा लगा आपको दोस्तों? पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, बाय।